अच्छा मुझे बताएं, आज तो आपका अपना ड्रेस बड़ा जबरदस्त लग रहा है, तो ये आइडिया आपका था या कोई देखा, कुछ इंस्पायर हुई, क्या हुआ? ये जो आपने सही बात की अभी नाजी ब्रेक में बताए क्यों तो जो पुटर चेतर तहे तथा पर्त लगाए छो ना जी बर्ड का थे तो ये बिल्कुल सही बात की आपके बेटे ने ना, बाकी इसका बर्ड का है बाकी का हिस्सा बस वो जहन में आइडियाज आते रहते हैं और डिफरेंट चीजें बनती जाती हैं। मुझे बहुत जबरदस्त लगा है, बड़ा मजे का लगा, बस आ रही हूँ मैं भी इसके लिए। सही, ये मुझे इसके साथ का दूसरा दूंगी जी, जो एक और थीम में बनाया ना व्हाइट में वो आप। अच्छा सही है, हाँ व्हाइट थोड़े से पहनने चाहिए, व्हाइट आपने मुझे अभी तक एक पहना है, हाँ सिर्फ एक पहना है मैंने। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताया जावाना थोड़ा सा कि अभी आप एग्जीबिशंस की बात हुई थी लास्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम आप आई थी, कि आप अभी कुछ एग्जीबिशंस के लिए भी जा रही हैं, तो उन एग्जीबिशंस के लिए आप लोगों को कितनी कितने कपड़ों की जरूरत होती है? आप लोग मतलब एक होता होगा ना सर्टन लिमिट की, इतने जोड़े लेके जा सकते हैं, इतने जो है वो हमारे एयरपोर्ट से नहीं निकले, क्लियरेंस नहीं होगी या जो भी है, ऐसा भी होता है या आप लोग लेके जा सकते हैं जितने भी जाए? नहीं, वो हमारा पहले एक प्रोग्राम सेट होता है कि हमें किस जगह जाना है और किस तरह का वहाँ पर चीज चल रही है, जो चीज लेकर जानी है, फिर वो उतनी क्वांटिटी हम डिसाइड खुद करते हैं कि कितना मतलब लेकर जाना चाहिए। सही, मतलब आप इतना ना ले जाएं कि आपका वहाँ पर कोई हिसाब किताब ही ना हो। ठीक है, मगर यहाँ से ले जाने में कोई मसला नहीं है? हाँ नहीं, इतना तो नहीं होता, वो देख ले एयरपोर्ट पे। अच्छा ठीक है, मैंने नॉर्मली तो मेरे ख्याल से 20 kg अलाउ करते हैं या 30 kg अलाउ करते हैं टोटल सामान का, और फिर आपको वापसी में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हाँ सही। अच्छा तो जब बाहर आप लोगों के जाते हैं, अगर वहाँ पे आप लोग जो भी वहाँ पे पहनते हैं, अगर आप उस तरह के बनाएंगे तो फिर हमारा कल्चर हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, वहाँ मुस्लिम्स भी होते हैं। ठीक, तो हम सिर्फ वहाँ पे जो लोकल्स हैं हमारे इंडियन या पाकिस्तानी, उनके लिए हम फिर वो कपड़े बनाते हैं? नहीं, मेरी कोशिश होती है कि हमारा जो यहाँ का कल्चर है ना, हम वहाँ पर पूरी दुनिया में वो उसको भी दिखाएं कि हमारे यहाँ जो ड्रेसेस हैं या किस तरह की रवायात हैं या किस तरह का ट्रेडिशन है, उस हिसाब से हम दूसरों को भी अवेयर करें। जी, तो मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि अपनी चीज को लेकर उनके फैशन को उसमें ढाल दूँ। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ एम्ब्रॉयडरी होती है, डिफरेंट काम होते हैं, लेसेस होती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ उनका वेयरिंग है उसको उस तरीके से उसमें कंबाइन कर दूँ, उन दोनों का कम्बिनेशन कर दूँ ब्लेंड करके। ठीक है। अच्छा मुझे बताया, आपके पास फैब्रिक भी बनता है या फैब्रिक बाहर से ही खरीदते हैं? काफी डिजाइनर होते हैं जो फैब्रिक भी खुद बनाते हैं या मंगवाते हैं, इम्पोर्ट कराते हैं, आपका भी कुछ ऐसा है या नहीं, आप लोकल चीजों पे ही कर लेती हैं? नहीं, मेरे पास सारा बाहर का फैब्रिक होता है, मैं कहीं जाती हूँ बाहर साथ अपने वहाँ से बाय करती हूँ। जैसे कहते हैं ना चाइना का सिल्क बड़ा मशहूर है, तो बड़ा जबरदस्त उनका सिल्क होता है। सही। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने ज्वेलरी का एक बार हमसे जिक्र किया था, आपने कहा था आप ज्वेलरी लेकर आएंगे जो आप डिजाइन करती हैं, आप वो एक बार भी नहीं लेकर आए, हमेशा भूल जाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में, अब नेक्स्ट प्रोग्राम ना, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम तो याद ही ना होंगे तो वो मुझे ज्वेलरी का बड़ा था कि आप देखें, परसों मुझसे कोई कह भी रहा था कि यार ज्वेलरी डिजाइन करते हैं, इतना आसान तो नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल भी इतना आसान नहीं, इतना आसान तो नहीं, हमने ग्लू ली और चिपकाया ज्वेलरी तैयार हो गई, मतलब आपको एक एक चीज, उसके प्रॉपर टूल्स होते हैं, किसी प्रोग्राम में देख लीजिए कि प्रॉपर टूल्स होते हैं, वो जो एक एक नक को लगाया जाता है, फिर उसको कोई स्पेशल ग्लू होती है जिससे वो चीजें लगाई जाती है। ये तो मेरे अपने वर्कर्स होते हैं ना, उनकी टीम होती है, वो सारे जो चीज मैं स्केच बनाकर देती हूँ, और जो ड्रेस की डिमांड होती है उस हिसाब से, जैसे ब्राइडल ड्रेस है तो ब्राइडल ड्रेस के हिसाब से ज्वेलरी भी उसी तरह हैवी होगी, और अगर लाइट आप पार्टी वेयर पहन रहे हैं तो उस हिसाब से भी ज्वेलरी होगी। अच्छा ना, सही, कॉल भी आया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, के तो गला है माँ? बिल्कुल ठीक आया, प्रोग्राम दिसो प्या वरी महरबानी, ता अनाउंसमेंट बुधी, ता अनाउंसमेंट बुधी जका सा जोड़े जे लाए कई? हां बुधी। ठीक है, ता बुधाई छियो असा के जरी ता फोन के ता पांच नालो वगैरह से बुधाई छड़ी हुई उनन के ताकि वो नोट करे वठन। देखो कंट्रोल रूम जी कॉल कंदा आयो त अस के जको अस अज हो आए तो जको वधी कॉल्स कंदो या मैसेजेस कंदो उन्हें के अस शाबानो जको जोड़ो फ्री दींदा से त उन्हें जे लाए ता के ऑब्वियसली पर नालो वगैरह हर शे बुधाईनी पेंदी वो ता करे छडियो सब कुछ वो थी पुछा? हां, मैं सब कुछ बुधायो वो थी नालो वो सब कुछ। ठीक आ, सही आ, बियो कुछ पूछना चाहिए शाबानो खान या डॉक्टर साहब का? ठीक है, वरी मेहरबानी कॉल करें, अल्लाह हाफिज। अच्छा डॉक्टर साहब, वो मुझे बताएं कि ये जो गर्मी जो गांव वगैरह में, अच्छा मेरा ये सवाल था उस वक्त कि जो अगर जो सनबर्न हो जाता है
और बहुत गंदा बर्न हो गया है और पैच बहुत गंदा पड़ गया है, तो अब उसका इलाज क्या है? मैंने बताया था ना कि लाइटनिंग क्रीम्स जो लाइटनिंग एजेंट्स होते हैं, जो माइल्ड पीलिंग एजेंट्स होते हैं, जिसका बहुत सिवियर हो गया है, उनको आपके पास आके ट्रीटमेंट भी करवानी पड़ेगी? बिल्कुल आना चाहिए, उनको ट्रीटमेंट भी कराना चाहिए। और जो लाइटनिंग एजेंट्स या क्रीमें होती हैं, पीलिंग क्रीम्स होती हैं, एंटी पिगमेंटरी क्रीम्स होती हैं, उनकी एप्लीकेशंस करनी चाहिए। कुछ विटामिंस भी होते हैं खासतौर पे गर्मी के सीजन में, जिनका इस्तेमाल ज्यादा रखना चाहिए, तो वो फिर इनको टैबलेट्स की फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, उनको डाइट की शक्ल में भी बताए जा सकते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि कह देना बड़ा आसान होता है कि आप तरबूज खा लें, खरबूजा खा लें और सेब खा लें सुबह नाश्ते में एक, और ये सारी चीजें खा लें, कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कराना जो है तो वो हर एक के लिए मुश्किल होता है। तो अपने डॉक्टर से मिल लें, उससे मशवरा कर लें, अगर वो उसको कंट्रोल कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक मॉनविल मैंने आपको बताई है, मॉनविल क्रीम आप रोजाना रात में लगाएं तो लाइट टैनिंग जितनी भी है वो उससे कंट्रोल हो जाएगी, या जो डे बाय डे टैनिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो सनब्लॉक का इस्तेमाल, सनशेड एसपीएफ 60 और मॉनविल फेयरनेस क्रीम रात को, और सनशेड एसपीएफ 60 दिन में दो मरतबा चार चार घंटे के बाद, यानी कि एक मरतबा लगा लें और फिर चार घंटे के बाद वो चार घंटे लास्ट करेगा, उससे ज्यादा वो लगा लें। पानी कम से कम जो है तो वो इस मौसम में आप चार छह गिलास बढ़ा दें, अगर आप 10-12 गिलास पी रहे थे पिछले दिनों तो अब तकरीबन 16-18 गिलास पानी जो है तो वो आपको 24 घंटे में पीना है। और ऐसे प्रोफेशंस वाले जो जिनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, या धूप में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जिनकी बहुत ज्यादा है, वो दिन में एक आध मरतबा थोड़ा सा नमक या लीमू अगर अवेलेबल हो तो वो पानी में डाल के एक मरतबा या दो मरतबा, एक गिलास दो गिलास ये वाली शिकंजी जो है तो वो जरूर पिए, ताकि जो पसीने में जो नमकियात उनके निकल जाते हैं जिससे बॉडी के अंदर जो है तो वो क्रैम्प्स आते हैं और दीगर प्रॉब्लम होने का खतरा होता है, स्किन के अंदर जो है तो प्रॉब्लम होने का खतरा होता है, तो वो उन चीजों से प्रोटेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीजों को अगर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, हल्के हल्के आप फाइट कर सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इतनी इम्यूनिटी, इतनी सकत, इतनी ताकत जो है तो वो डेवलप होगी कि आप जो मौसम की शिद्दत है, लोड शेडिंग की शिद्दत है, उसको आप थोड़ी सी फाइट कर सकते हैं। इस मौसम में जो है ना वो बाल भी बहुत ड्राई हो रहे हैं और टेक्सचर खराब हो रहा है बालों का, मतलब विदाउट एनीथिंग, मतलब जबकि कहते हैं सर्दियों में ड्राई हो जाते हैं वो चिपकने वाले जो वो करंट वाला हो जाता है बालों के साथ, और अब तो गर्मी है फिर भी इतने ड्राई और झाड़ू के जैसे बाल हो रहे हैं सबके बड़े, आप इसके लिए क्या करना चाहिए? मौसम का असर नहीं है। अच्छा। अगर किसी के बाल इस सीजन में ड्राई हो रहे हैं और रफ हो रहे हैं और नीचे से जिस तरह आपने कहा कि झाड़ू की तरह हो रहे हैं, यानी कि बेजान हो रहे हैं, तो ये मौसम का असर नहीं है, ये बेसिकली उसके अंदर जो भी एक्स वाई जेड जो भी पर्सन है उसमें कुछ डिफिशियंसीज हैं, यानी कि उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स उसके बालों की जो है वो पूरी नहीं हो पा रही। बाल बाज खवातीन के बहुत अच्छे, लड़कियों के बहुत अच्छे और लंबे बाल होते हैं, ठीक है, तो जितने बाल लंबे होते हैं उतनी ही उनकी गजाई जरूरियात ज्यादा होती है, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स उतनी ही ज्यादा होती है। तो या तो अगर आपके बाल नीचे से बिल्कुल बेजान हो रहे हैं तो बेहतर तो ये कि आप उनको ट्रिम करें। पहला तरीका तो ये कि आप उनकी जो बेजान नोके हैं जो बिल्कुल डेड हो रही है उनको आप ट्रिम करें। एक बहुत आसान सा सिंपल सा मेथड बताता हूँ आपको, आपको कॉल भी ले लेते हैं लेकिन मुझे याद है कि दिलाइएगा, मैं ये चीज बताऊंगा आज इस प्रोग्राम में कि किस तरह आप असेस कर सकते हैं कि आपके बाल हेल्दी हैं या नॉन हेल्दी हैं। ठीक, नाजिम की कॉल भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। के तो गल है जी, माँ मुस्कान जी गलाया लाटकाने माँ मुस्कान की आयो जी? ठीक है, तो बताया था ठीक है माँ? बिल्कुल ठीक ठाक आया छापे थे मुस्कान, प्रोग्राम किया तो लगे कुछ पूछना चाहो था डॉक्टर साहब का या शाबानो का? जी मुझे सवाल ये आता है तो मुझे चेहरो दादो मना कलर दिन थी आने से करे माँ गया था मना मसाज यूज किया। ठीक है ठीक है, तो आप प्रोग्राम रिजल्ट आके ऑन एयर जवाब दूं था, बड़ी मेहरबानी कॉल कर जाए, अल्लाह हाफिज जी। तो बालों को असेस करने का तरीका, हाँ, जैसे और आप अपनी जो टिप्स है ना जो नीचे की इसकी जो नोके हैं जी इनको उठाएं, कितने भी लंबे आपके बाल हों, लंबे हों या छोटे हों, इनको उठाएं और उठाने के बाद आप अपनी यहाँ से जहाँ से बाल स्टार्ट हो रहे हैं इनके साथ रखें, ठीक है, इनके साथ रख के इनको मैच करें, इनकी थिकनेस, इनका कलर, इनका टेक्सचर, अगर ये दोनों चीजें मैच होती हैं तो इसका मतलब है कि आपके बाल ऊपर से लेकर नीचे तक हेल्दी हैं। लेकिन अगर आपकी टिप्स जो हैं वो आपके यहाँ वाले बालों के साथ मैच नहीं होती, उनका कलर, उनका टेक्सचर, उनकी थिकनेस, उनकी जो शाइनिंग यहाँ से और यहाँ में अगर डिफरेंट होती है तो इसका मतलब है कि आपके बालों को ट्रीटमेंट की जरूरत है। और वो किस किस्म की ट्रीटमेंट होनी चाहिए? हेयर स्पेशलिस्ट। तो ये जो आजकल पार्लर्स हैं बहुत ज्यादा हो गया है, प्रोटीन ट्रीटमेंट, तो ये क्या है?
میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہیئر اسٹائل بنائیے, ٹھیک ہے, آپ بیوٹیشن ہیں, آپ ہیئر اسٹائل بنائیے, بالوں کے ہیئر اسٹائل ڈیزائن کریں, ان کی کٹنگ کریں, آئی بروز بنائیں, ٹھیک ہے, تھریڈنگ کریں, یہ ساری چیزیں کریں, لیکن بالوں کا علاج نہ کریں. وہ ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, وہ ان کو ڈاکٹر کو کرنے دیں, وہی اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. آپ بالوں کو ٹریٹ نہیں کر سکتے, آپ ان کو ڈائی کریں, وہ پرم کریں ان کو, یہ سب چیزیں کریں. لیکن یہ ہے کہ اگر بالوں میں پرابلم ہے, ڈیزیز ہے, بال جھڑ رہے ہیں, ان میں فنگس ہے, وہ ڈبل اینڈز ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایک پراپر جو ہیئر اسپیشلسٹ ہے, اسکن اسپیشلسٹ ہے, اس کے ٹریٹمنٹ کی اس کو ضرورت ہے. تو ٹھیک ہے, تو بہت سارے ہمارے پاس بہت سارے ایسے بیوٹیشینز ہیں, بہت سارے بیوٹی پارلرز ہیں جو بہت اچھی بیوٹیشینز ہیں, بیوٹی پارلرز ہیں, وہ پراپر ڈاکٹرز کو ریفر کرتے ہیں پیشنٹس کو, اپنے کلائنٹ کو, وہ ٹریٹ اپنے کلائنٹ کو ہیئر اسٹائل دیتے ہیں, ان کی کٹنگ کرتے ہیں, ان کا ہیئر اسٹائل بناتے ہیں, ان کے بالوں کو لک دیتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن جب بالوں کے ٹریٹمنٹ کی بات آتی ہے تو پھر وہ اس کو پراپر ڈاکٹر کے پاس ریفر کرتے ہیں. بڑے بڑے نام ہیں جو ہمارے پاس ریفر کرتے ہیں یا اور دیگر ڈاکٹرز کے پاس ریفر کرتے ہیں, لیکن بہت سارے جو اپرچونسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا نان پروفیشنل جن کی اپروچ ہوتی ہے, ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, وہ سب کچھ خود کر لینا چاہتے ہیں. وہ سب کچھ خود کر لینا چاہتے ہیں, سارے پیسے یا مطلب بہت غیر اس کے کہنا چاہیے کہ اس سے ارننگ کر لینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس سے نہ آپ پروفیشنلی کبھی خود سیٹسفائیڈ ہوں گے, نہ بہت آپ کا جو بزنس ہے وہ لانگ ٹرم رہے گا, نہ آپ کا کلائنٹ جو ہے تو وہ آپ کے ساتھ لانگ ٹرم رہے گا, کیونکہ وہ سمجھ لے گا ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ کے بعد جو ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ اسے جو ہے تو وہ گنی پک بنا رہے, بیوقوف بنا رہے, ٹھیک ہے. تو اپنے کلائنٹ کو کبھی بھی بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کریں, اس کو صحیح مشورہ دیں, صحیح اس کا ٹریٹمنٹ کریں, جہاں تک آپ کی لمٹ ہے وہ وہاں کام کریں, جب آپ کی لمٹ ختم ہو جائے تو اس کو کسی پراپر ہینڈ میں جو ہے تو وہ کریں. جی بالکل ناظرین, اس میں وقت کا بریک, جو ایک بریک تھا, آتا ہوں واپس, آتا ہوں اس دار سب جاز. ناظرین مکھے ایکڑو جو ہے نا پرچو پکڑائے چھو اتوں, یہ نالا ہیں جو کہ اساں کے اناؤنس کرنا ہیں, پر ہیر نہ تھی کیا, ہیر نہ کیا نا, بالکل پروگرام کے اینڈ میں. اچھا ٹھیک ہے, ڈائریکٹر صاحب چون تھا اناؤنس کرے چھو, تو ماں کرے چھو. ناظرین کچھ نالا ہیں اساں وٹ جے کہ بالکل ٹائے تے ہیں, چھو جو یہ اوے سڑیوں چھوکریوں ہیں جن کافی کالز کرے ہیں اساں کے, اساں سبن میں ڈیسائیڈ نہ تھا کرے سکوں جو نالو نکل تو نالا ہیں سنا, رخسار, نازش, مریم, فرح. تو یہ پنج ہیں نالا جن اڑیوں کالس کر شو میں اج بھی کوں روز بھی کندا ہیں, اسان میں ڈیسائیڈ نہ تھا کرے سکوں تکے کہ کیوں, اسا تھوڑی کڑی قران اندازی ننڑی کہندا سے اون میں جن جو پرچی تے نالو ایندو ائی پو اسا انہی کے دیندا سے. تا ہانے تا دعا کیوں, ہانے ٹوٹل لک تے تھی ویا سے, جو محنت تا کرے چکے آیو, ہانے جو لک جو کم ایندو. بالکل ٹھیک. اچھا شابانو, آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے کپڑوں کو جب بہت زیادہ اس طرح سے پسند کیا جاتا ہے, مطلب ابھی بھی جس طرح سے ہو رہا ہے وہ صرف آپ کی ڈیزائننگ اور آپ کے جوڑے کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو کیسا فیل ہوتا ہے, یا کبھی خود بھی آپ کا ہوتا ہے کہ نہیں اس سے بھی بہتر اور کوئی چیز بنائی جائے جو کہ پھر ہم لوگ اس طرح سے آگے کسی کو فارورڈ کریں یا پہلے اس کو پروموٹ کریں؟ مجھے ایسے